नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर लद्दाख के मौसम का क्या रहेगा हाल, जानेंगे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी से। सर, आपसे जम्मू कश्मीर के आने वाले 10 दिन के मौसम का हाल जानना था। जी, जम्मू में अभी आने वाले दिनों में थोड़ा मौसम गर्मी, आज और कल तो थोड़ा गर्मी ही रहने का इम्कान है। तो 16 तारीख से थोड़ा राहत, 16 से लेकर 19 तक मौसम ओवरऑल जो है थोड़ा क्लाउडी रहने का इम्कान है। जहां तक जम्मू की बात करें तो करंट अभी का टेम्परेचर जो है जम्मू में 30 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है अभी करंट टेम्परेचर। तो आने वाले दिनों में यही देखो, कल और परसों तो 29-30 डिग्री के आसपास ही रहने का इम्कान है जम्मू रीजन में, जम्मू सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी 16 से लेके 19 तारीख के बीच में मौसम क्लाउडी रहने का इम्कान है, बीच बीच में धूप भी निकलेंगे, लेकिन इसके साथ चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म, खास करके दोपहर के वक्त बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म और चंद जगहों पर ओले भी गिरने का इम्कान है और लाइटनिंग भी। इसीलिए हमारा एक वेदर एडवाइजरी ये है कि 16 से 19 के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो कि प्रोन टू, जो कि मतलब कहीं लाइटनिंग वगैरह होते हैं, लाइटनिंग स्ट्रक गरज के साथ, मीनो थंडरस्टॉर्म के साथ जब लाइटनिंग होते हैं तो उससे कभी समटाइम्स जो है वो तो लोगों को जानलेवा दो होते हैं। तो थोड़ा लोगों को वही 16, 17, 18, 19 तक थोड़ा एहतियात बरत देना जरूरी है। तो ओवरऑल ये कि 16 से 19 के बीच में टेम्परेचर में गिरावट आने का इम्कान है 5-6 डिग्री सेल्सियस और बीच बीच में बारिश भी होने का संभावना है। सर, वही हम बात करें, अगर जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, वहां पर मौसम का क्या रहेगा हाल, क्या बारिश होने की? पहाड़ी इलाकों में खास करके यही इन्हीं दिनों 16-17 के बीच में, 16 से 19 के बीच में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बर्फ भी होने का इम्कान है। कोई हैवी स्नोफॉल का तो इम्कान नहीं है, लेकिन चंद जगहों पे रुक रुक के बर्फ भी होने का इम्कान है पहाड़ी इलाकों में। मैदानी इलाकों में तो बारिश होंगे, कंटिन्यूस बारिश नहीं होंगे, ये रुक रुक के होंगे, खास करके दोपहर के वक्त, दोपहर या शाम के वक्त होने का इम्कान है। जी, और सर, जो खासकर लोग जम्मू से श्रीनगर जाते हैं या जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो श्रीनगर की ओर सामान लेकर जाते हैं अपना, उनके लिए क्या एडवाइजरी देंगे आप? एडवाइजरी ये है कि हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 16 से 19 के बीच में रुक रुक के बारिश है, पर ये एग्जैक्ट कंटिन्यूस बारिश नहीं होंगे, तो ये रास्ते में भी कभी असर पड़ सकता है, इसका इफेक्ट हो सकता है। तो आप ट्रेवल जब करते हैं तो कंसर्न जो ट्रैफिक महकमे है उनसे रोड का स्टेटस मालूम करके जाना बहुत जरूरी, नॉट ओनली जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो भी पहाड़ी क्षेत्र में जो ये जो रास्ते हैं तो जो कि वल्नरेबल टू जब बारिश होगा या बर्फ से जब इफेक्ट होते हैं, तो कंसर्न ट्रैफिक पुलिस से रब्ता करके जाना बहुत जरूरी है। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सोनम लोटस जी ने बताया है कि 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, और वहीं जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें हल्की फुल्की बर्फबारी होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। इसी तरह की वेदर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद। Oh, 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 oh